पाकिस्तान पुरस्कृत होणारा दहशतवाद जगभर उघडकीस आलाय, तो मोडून टाकण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कूटनीतीमुळे यश आले आहे. पुण्यातील खडकवासला येथील राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीतील अर्थात NDA 137व्या तुकडीचा शानदार शिस्तबद्ध दीक्षांत समारोप संचालन सोहळा मोठ्या जल्लोषात पार पडलाय. 3 वर्ष खडतर परिश्रम घेऊन 260 विद्यार्थी देशसेवेसाठी सज्ज झालेत. या दीक्षांत संचालनासाठी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग उपस्थित होते. दीक्षांत समारंभाची पाहणी केल्यानंतर त्यांनी छात्रांना उद्देशून भाषण केले. यावेळी NDA मधील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. कोर्स को पूरा करने वाले कैडेट्स का दिन है. आज के दिन एक सिविलियन के रूप में आप अंतिम पद उठाएंगे, क्योंकि आज के बाद आपकी पहचान देश के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करने वाले सैनिक के रूप में की जाएगी. इसलिए यह अवसर आपके लिए उन क्षणों को फिर से याद करने का है जो ये कैडर के रूप में NDA कैंपस में आपने बिताए. याद करें उन पलों को जिनको यहाँ जीकर आपने अपने फिजिकल मेंटल और मॉरल स्ट्रेंथ की नई उपलब्धियों को छुआ है. यह दिन यहाँ मौजूद कैडर के परिवार के लोगों के लिए भी बेहद खास है. आज परिवार के लोगों को हर वक्त याद आ रहा होगा जो आपने ये कैडर के लीकर पहली बार देखा या महसूस किया होगा. खासतौर पर वह पल जब आपने अपने बच्चों को पहला फौरी हेयर कट देखा होगा, या वह पल जब आपने खाकी पोशाक में देखा होगा, या जब इनके शरीर पर लगी हुई इन फौरी वर्दियों के भीतर मौजूद अपने स्वाभिमानी कसूर को आप पहली बार देख रहे हैं.